हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपना चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है, जिसमें अपन फिनॉल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अल्कोहल अपना कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। फिनॉल्स में अपन ने स्टडी कर लिया था IUPAC नॉमनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड देन प्रिपरेशन मैथड अपन ने स्टार्ट किए थे, जिसमें से टू प्रिपरेशन मैथड्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे, ओके। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड था फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से अपन ने फिनॉल को प्रिपेयर किया था, क्लियर। सेकंड जो प्रिपरेशन मेथड था वो था फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन एक कंपाउंड था जिसकी O2 के साथ रिएक्शन करवाई थी, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड बना था एंड देन फिनॉल बन गया था, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो मेथड है, थर्ड मेथड है फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये रिएक्शन पहले भी आप पढ़ चुके हो, डाई एजोनियम सॉल्ट वाली अमाइंस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। डाई एजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। देखो डाई एजोनियम सॉल्ट अपन ने देखा था कि बेंजीन रिंग पे अगर कौन सा ग्रुप हो, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ये प्रेजेंट हो तो इसको अपन बोलते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसका नेम क्यों था डाई एजोनियम सॉल्ट, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी, क्लियर। तो अब यहाँ पे अपन फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट से जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या करेंगे, पहले अपन डाई एजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करेंगे कि डाई एजोनियम सॉल्ट अपन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बेंजीन पे NH2 ग्रुप हो, ठीक है, आपको पता है बेंजीन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या होता है, एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवाओ, HNO2 एंड HCl या NaNO2 एंड HCl, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर, ठीक है। याद है इस रिएक्शन का नेम भी था, ये रिएक्शन अपने अमाइंस वाले चैप्टर में भी 2 टाइम्स आई थी, एक बार अमाइंस के केमिकल रिएक्शंस में आई थी और एक बार प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई एजोनियम सॉल्ट में आई थी, ठीक है, जिसको अपन ने बोला था डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हुआ, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब देखो इस बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर किसके साथ करवाएं, वाटर के साथ, मींस वाटर के साथ अगर अपन इसको क्या करें, हीट करें, टेम्परेचर दें इसको, हीट करें, तो हीट करने पर क्या होगा, वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव अटैच्ड विद Cl नेगेटिव एंड फॉर्म HCl, ओके। जैसे ही अपन इसको हीट करेंगे N2 किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2O था, H2O means H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव कंबाइन हो गया था Cl के साथ, क्या बचा, OH नेगेटिव, और वो जो OH नेगेटिव है वो किस पे अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा, और बेंजीन रिंग पे जब OH अटैच हो जाता है तो उसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो थर्ड मेथड है ये है फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट, जो अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, कौन से चैप्टर में, अमाइंस चैप्टर में, सेम रिएक्शन है, एज इट इज रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो लास्ट जो रिएक्शन है फिनॉल्स के प्रिपरेशन की वो है फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। फोर्थ रिएक्शन इज फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देखो कैसे होगी रिएक्शन, आपके पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन अगर अपन किसके साथ करवाएंगे, H2SO4, ठीक है।
अब H2SO4 क्या होता है, सब बच्चों को पता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड जब बेंजीन पे अटैच होता है तो उस रिएक्शन का नेम होता है सल्फोनेशन, जो पता नहीं अपन ने कितनी टाइम पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी अपन 3 times तो पढ़ चुके हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो वो ही सेम रिएक्शन अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन होगी, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा एच, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा ओ एच, एच टू ओ रिलीज हुआ, ओ और एच निकलने के बाद यहाँ क्या बचा, 1 sulfur, 3 oxygen and 1 hydrogen, means benzene ring के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, SO3H, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नेम है बेंजीन, ठीक है। अब इसका नेम हुआ बेंजीन और इस पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, सल्फोनिक एसिड, तो इसका नेम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो 2 types से हो सकती है, दोनों मेथड में आपको बता रही हूँ। अगर आप इस पे NaOH की रिएक्शन करवाओ, ठीक है, और ये जो NaOH की रिएक्शन है वो किसके साथ होती है, वाटर के साथ होती है। देखो यहाँ क्या होगा, जो NaOH का OH है वो तो कहाँ अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, NaHSO3। अब देखो NaHSO3 जो है इसका नेम क्या है, देखो ध्यान से देखना, चलो इसके इसका नेम छोड़ो, पहले आप इसको देखो Na2CO3, Na2CO3 का क्या नेम होता है, सोडियम कार्बोनेट, सबको पता है, बहुत बार आप पढ़ चुके हो, 7th-8th class से आता है ये फॉर्मूला, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको अपन कौन सा सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब देखो एक होता है NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपन बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो अपन खाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो NaHCO3 इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अब अगर कार्बोनेट के प्लेस पे SO3 आ जाए तो इसका नेम होता है सोडियम बाई सल्फाइट, क्लियर, ध्यान रखना SO3 इज सल्फाइट, SULPHITE, ठीक है। अगर यहां इसके प्लेस पे SO42 नेगेटिव हो तो उसको बोलते हैं सल्फेट, क्या बोलेंगे, ये है सल्फेट, ये है सल्फाइट, और सिर्फ S2 नेगेटिव हो तो इसको बोलते हैं सल्फाइड। देखो तीनों में डिफरेंस है, दिस इज सल्फाइड, दिस इज सल्फाइट, यहाँ IDE है, यहाँ ITE है, एंड दिस इज सल्फेट, क्लियर। तो यहाँ इसका नेम क्या होगा, सोडियम बाई सल्फाइट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट, क्लियर। तो यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट जो है वो बनेगा, सॉरी रिलीज होगा, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा, और बेंजीन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, OH, और जिसका नेम क्या होता है, फिनॉल, क्लियर। तो यहाँ अपन ने फिनॉल के जो 4 preparation methods हैं वो अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। दोबारा देख लो, फर्स्ट फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड फ्रॉम क्यूमीन, थर्ड फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, एंड फोर्थ फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसका फर्स्ट पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जनरली अपन 2 physical properties के बारे में डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी, क्लियर, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें, थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूं मैं,
अपन ने अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा था. अल्कोहल्स आर ओ एच, आर ओ एच, ठीक है. जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, उनको तो दिमाग में अपने आप ही आ गया होगा कि यहाँ कौन सी बॉन्डिंग होगी, ठीक है. और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ो, वरना आगे के टॉपिक्स नहीं समझ आएंगे बिल्कुल भी, ठीक है. तो देखो, अल्कोहल्स में अपन ने देखा था कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, ठीक है. ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है मींस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है. सेकेंड ऑक्सीजन इसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इट मींस ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. क्लियर, ठीक है. अपन ने देखा था अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अमाइंस के कंपैरिजन में, अल्काइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में, एल्केन्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है. अभी तक सबसे ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर. तो यहाँ देखो, जब अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, फिनॉल्स की. तो फिनॉल्स में ऐसा कुछ होता है, ठीक है. और फिनॉल्स में भी आप देखोगे कि सेम वो ही कंसेप्ट है, एच ओ के साथ अटैच है, नेक्स्ट ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आ रहा है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड. मीन्स फिनॉल्स का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर, ठीक है. अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में जो टॉपिक है उसमें अपन ने टू प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हर बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, फिर से देख लो. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. जो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है वो कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ध्यान रखना. एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा. क्लियर. तो ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट, फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी, ठीक है. सॉल्युबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है, सॉल्युबिलिटी में अपन देखते हैं कि एक सॉल्यूट होता है जिसको अपन किस में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है. अगर दोनों का नेचर सेम है तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, दोनों का नेचर सेम नहीं है तो इजीली डिसॉल्व नहीं होगा. लाइक डिसॉल्व लाइक, पॉलर होगा तो पॉलर में इजीली डिसॉल्व होगा, नॉन पॉलर होगा तो नॉन पॉलर में इजीली डिसॉल्व होगा, ठीक है. फिर अपन ने अल्कोहल्स में ये भी देखा था कि अगर किसी एक ही कंपाउंड के टू पार्ट्स हैं, पॉलर पार्ट भी है और नॉन पॉलर पार्ट भी है, तो वहां अपन देखते हैं कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग पे क्या प्रेजेंट है बेटा, OH. फिनॉल की बात करें तो बेंजीन रिंग पे OH प्रेजेंट है. और ये किसके साथ, किस में डिसॉल्व हो रहा है, ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, वाटर इज HOH. देखो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. और ड्यू टू हाइड्रोजन इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है. एक कंसेप्ट तो हो गया कि भाई फिनॉल जो है वो वाटर के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी. सब बच्चों को समझ में आ गया ना, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, उसके साथ इंट्रैक्शन कर रहा है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. क्लियर. अब अपन अगर बात करें अल्कोहल की और फिनॉल की, ठीक है, कि अल्कोहल और फिनॉल में से ज्यादा
सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो ध्यान रखना, बताया हुआ है, फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुनना। यहां इसमें CH3OH की अगर बात करें तो यहां इसमें कितने पार्ट हैं, टू पार्ट्स हैं। OH इज पॉलर इन नेचर एंड CH3 इज नॉन पॉलर इन नेचर, ठीक है। वाटर कैसा है, पॉलर है, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इट मींस OH इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। OH पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, एंड CH3 जो है वो वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज दिस इज नॉन पॉलर एंड दिस इज पॉलर, ठीक है। तो यहां ये क्या करेगा, ये पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, क्लियर। तो अब देखो, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अब इसमें तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना ही है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब अगर अपन फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है, और ये जो पार्ट है ये कैसा है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, और यहाँ कितने कार्बन का है, ओनली 1 कार्बन का। मींस हाइड्रोफोबिक पार्ट किसमें ज्यादा बड़ा है, फिनॉल में हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है। हाइड्रोफोबिक मींस वाटर रिपेलिंग पार्ट ज्यादा है, तो वाटर रिपेलिंग ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर रिपेलिंग ज्यादा है तो ये वाटर में लेस सॉल्युबल होगा और ये वाटर में मोर सॉल्युबल होगा, क्लियर। तो फिनॉल जो है उसके प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, IUPAC नेमिंग एंड आइसोमेरिज्म, इतने टॉपिक अपन ने कर लिए हैं। अब फिनॉल के सिर्फ केमिकल रिएक्शंस बाकी हैं, ठीक है। फिनॉल अल्कोहल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है और ईथर इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, क्लियर। साथ साथ में लर्न करते रहना, अदरवाइज रिएक्शंस नहीं लर्न होंगी बेटा, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करना और रिएक्शंस को लिख लिख के लर्न करना, क्लियर।